नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, और अगर बात करूँ कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, तो लेट्स सी। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, लेट पी एक्स बी द पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स बी द पॉलिनोमियल तो दोस्तों हमने मान लिया कि पी एक्स नाम का कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा किसी ना किसी ओवर फील्ड जरूर होता है, तो ओवर एफ है ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री, और ये क्या है, सबसे छोटी डिग्री का है, ठीक है, ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री, ओके, सेटिस्फाई बाय अल्फा। तो ये एक पॉइंट है, सेटिस्फाई बाय अल्फा, तो अल्फा से सेटिस्फाई होने वाला ये पॉलिनोमियल। तो आप बोल दोगे तो देन जो आपने पॉलिनोमियल की बात की है इस पी एक्स की, ये बन जाएगा आपका मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर अल्फा, ठीक है। सो देन द पी एक्स इज कॉल्ड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, मैंने उसको कुछ ऐसे लिखा, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि कोई आइटा है और वो बिलोंग करता है कहाँ से, सी से, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग करता है। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया और उस पॉलिनोमियल को कुछ ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये पॉलिनोमियल कहाँ बिलोंग करता होगा, इसके जो कॉफिशेंट हैं वो सारे क्या हैं, कॉफिशेंट इसका वन है, इसका वन है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, रेशनल नंबर है, तो यानी कि ये क्यू रेशनल नंबर्स की फील्ड को बिलोंग करता है, और ये रेशनल नंबर की फील्ड कहाँ होती है, रियल नंबर की फील्ड के अंदर, यानी कि ये फील्ड का बात, मैं पॉलिनोमियल फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, जब भी कोई पॉलिनोमियल होगा वो ऐसी ही चीज़ को, यानी कि चाहे वो रियल नंबर की पॉलिनोमियल फील्ड को बिलोंग करे, रेशनल नंबर की पॉलिनोमियल फील्ड को बिलोंग करे, ऐसे बिलोंग करते हैं। और ये जो सेट होते हैं ना, क्यू है या आर है, तो इनके जो कॉफिशेंट हैं, अगर इसके कॉफिशेंट रेशनल नंबर हैं तो वो इसको बिलोंग करेंगे, अगर इसके कॉफिशेंट रियल नंबर है इसको बिलोंग करेंगे, इसके कॉफिशेंट इंटीजर हैं तो फिर वो जेड ऑफ एक्स को बिलोंग करेंगे, ऐसे ही आप डिपेंड करते हैं कि कॉफिशेंट कैसे, ठीक है जी। अब इसको क्या आइटा सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इसको आइटा सेटिस्फाई करता है, यस ऑफ कोर्स। तो अब अगर आप इस एफ के अंदर आइटा पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या एक मिनिमल पॉलिनोमियल हुआ, आई डोंट नो, बट अगर मैं अभी एक नया पॉलिनोमियल और बनाता हूँ कुछ ऐसा ही, और उसको मैंने लिखा एक्स माइनस आइटा दोस्तों, ठीक है, और ये किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है सी ऑफ, अब ये कौन सी पॉलिनोमियल फील्ड आ गई, ये सी पॉलिनोमियल फील्ड है, तो कौन सा पॉलिनोमियल, ध्यान देना, कौन सा पॉलिनोमियल जो है मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर सी, क्यों, अब आप कहोगे आर एक्स है तो आर एक्स भी तो कहाँ बिलोंग करता है, कंटेन किस में करेगा, सी एक्स के अंदर, ठीक है। तो यहां बोल सकते हो कि ये जो जी एक्स पॉलिनोमियल है, तो देन जी एक्स इज मिनिमल पॉलिनोमियल, क्यों, इन दोनों में से डिग्री किसकी छोटी है, और मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर सी, तो पॉइंट ये है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इन दोनों में से कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर क्यू, तो आप शायद ये बात बोल देते, है ना, ओवर क्यू तो यही है, बट ओवर सी की बात कर रहा हूं तो ये जी एक्स है, क्योंकि ये इसकी डिग्री इससे कहीं ना कहीं छोटी है, गेट ए पॉइंट, क्योंकि इस केस में भी आपका जो जी आइटा पुट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है दोस्तों, ओके। तो इसको बोलते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर एनी फील्ड और ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है।
ठीक है, तो यानी कि उससे बड़ा और कोई भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और एक वर्ड सुनते हो आप इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल, तो इरिड्यूसिबल का मतलब सिंपल सा ये समझो कि उसको तोड़ नहीं सकते, यानी कि अगर आप इसके पॉलिनोमियल की बात करो तो ये एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। क्या इसके कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स यार, इसके फैक्टर बना सकते हो कहीं ना कहीं, है ना, इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। और एक बात आई मॉनिक पॉलिनोमियल, तो क्या ये मॉनिक पॉलिनोमियल है? ये भी मॉनिक भाई, ये भी मॉनिक पॉलिनोमियल है और ये भी मॉनिक पॉलिनोमियल है। मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक तो एक वेरिएबल के हों, तो ये दोनों एक से एक वेरिएबल के हैं यानी कि एक्स है। दूसरे वो हाईएस्ट से लोवेस्ट डिग्री की तरफ चलें, तो हाईएस्ट से लोवेस्ट डिग्री की तरफ चल रहे हैं, यहाँ टू है, यहाँ जीरो आ गई, यहाँ वन है, यहाँ पे जीरो आ गई, तो ऐसे लोवेस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो दोनों के दोनों मॉनिक पॉलिनोमियल भी हैं और दोनों के दोनों ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है और ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ओके, तो इस कॉल्ड अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एन एलिमेंट।